हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को एकदम वेस्ट मटेरियल से एक नहीं दो सुंदर और अनोखी शो पीसेस बना के दिखाऊंगी। हम सब टेलर के पास से तो बहुत कुछ बनाते हैं, कभी अपने लिए कभी दूसरों के लिए। मैं क्या करती हूँ, जो कट पीसेस रह जाते हैं वो साथ में ले आती हूँ। आज यही कट पीसेस से कुछ नया बना के दिखाएंगे। सबसे पहले चाहिए कार्डबोर्ड। ऑनलाइन शॉपिंग तो आज हर कोई करते हैं। ये वहीं से मिला हुआ बॉक्सेस है, वहीं से काट लिया है मैंने। और ये देखिए मेरे कट पीसेस, इन सब से मैं ड्रेसेस बना चुकी हूँ। आप भी ऐसे कपड़े ले लीजिए जो आपके पास हो, कुछ भी बचा हुआ। ब्लाउज पीसेस भी ले सकते हैं। और चाहिए थर्मोकोल, जो थोड़ा ठीक होना चाहिए। ये भी मेरे पास था तो मैंने यही ले लिया है, आप खरीद भी सकते हैं। फिर चाहिए टेप्स। मैंने यहाँ चार टाइप के टेप्स लिए हैं। जब मैं जहाँ जहाँ यूज करूँगी तब मैं बता दूंगी कि कहाँ कहाँ क्या क्या करना है। फिर चाहिए फेविकॉल और सीजर्स। फेविकॉल बहुत इम्पोर्टेंट है इस प्रोजेक्ट के लिए। नेक्स्ट जो चाहिए वो है ये ट्रांसपेरेंट शीट। मैंने यहाँ पे ये OHP शीट लिया है, जो आप फोटो प्रिंटिंग शॉप या पेन कॉपी के शॉप से ले सकते हैं। अगर आपको ये OHP शीट ना मिले तो कोई भी ट्रांसपेरेंट ऐसे पेपर आप ले लीजिए। सबसे पहले थर्मोकोल को ऐसे स्क्वायर शेप में काट लीजिए और साइड से बराबर कर दीजिए। मैंने यहाँ पे 30 सेंटीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर इस हिसाब से स्क्वायर पीस काट लिया है। अब कार्डबोर्ड से ऐसे बिट्स काट लीजिए, इनके साइज इस थर्मोकोल के ऊपर बिठा के नाप लीजिए। और एक चीज बता देते हैं, मैंने 1.5 सेंटीमीटर का एक एक पीस काटा है। देखिए ये जो कार्डबोर्ड के टुकड़े हैं, ये थर्मोकोल के ऊपर कुछ ऐसे दिखने चाहिए। अब उसी हिसाब से काट लीजिए, यानी ये अब देख सकते हैं कार्डबोर्ड बिट्स जो चौड़े में 1.5 सेंटीमीटर है और ये थर्मोकोल है ये 30 सेंटीमीटर है, अर्थात 1.5 सेंटीमीटर के चार पीसेस चाहिए। मिला के हो जाते हैं 6 सेंटीमीटर, बाकी बचे 24 सेंटीमीटर। तीन हिस्सों में बांटे तो एक स्मॉल स्क्वायर का साइज होता है 8 सेंटीमीटर बाई 8 सेंटीमीटर। अब थर्मोकोल के ऊपर ये 1.5 सेंटीमीटर, फिर 8 सेंटीमीटर, फिर 1.5, फिर 8, ऐसे मार्किंग कर दीजिए। और ये मार्किंग चारों साइड में करना जरूरी है। अब मार्किंग के अनुसार ऐसे लाइंस खींच लीजिए। अब ये जो 9 स्क्वायर्स बने हैं, इनके साइज के अनुसार कपड़ों को काटने हैं। ये देखिए मैंने कुल 9 पीसेस ऐसे कपड़ों से काट लिए हैं। इनके साइज 8 सेंटीमीटर से थोड़ा ज्यादा रखा है, ताकि जब मैं फेविकॉल से स्टिक करूंगी तब थोड़ा एक्स्ट्रा बचे।
अब फेविकॉल के मदद से इन टुकड़ों को ऐसे थर्मोकोल के ऊपर ये जो स्क्वायर्स बने हैं इनमें एक एक करके चिपकाते जाइए। देखिए सारे कपड़ों के टुकड़ों को ऐसे स्टिक करने के बाद ऐसा लग रहा है। अब ये जो OHP शीट है इसे इसके ऊपर अटैच कर देना है। मैंने एक शीट से दो रोज और एक शीट को काट के एक रो कवर किया है। आप चाहे तो अलग अलग ले सकते हैं हर रो के लिए। ये देखिए OHP शीट को मैंने कपड़ों के ऊपर ऐसे फेविकॉल के मदद से अटैच कर दिया है। अब ये जो कार्डबोर्ड के बीट्स है इसे हम लोग फ्रेम की तरह यूज करेंगे और इसके ऊपर ऐसे अटैच करते जाएंगे। फेविकॉल से अच्छे से कोट कर लीजिए और ऐसे स्टिक करते जाइए। रोज स्टिक करने के बाद कॉलम्स को ऐसे नाप के काट लीजिए और फिर धीरे धीरे चिपका दीजिए। अब थर्मोकॉल को थोड़ा उल्टा करके अच्छे से प्रेस कर दीजिए ताकि सब कुछ अच्छे से अटैच हो जाए। मास्किंग टेप के मदद से चारों साइड को ऐसे कवर कर दीजिए। अब आर्ट पेपर से फ्रेम के साइज के बराबर पीसेस काट लीजिए, यानी 1.5 सेंटीमीटर के नाप से और लंबाई में 30 सेंटीमीटर। अब इनको कार्डबोर्ड फ्रेम के ऊपर फेविकॉल के मदद से ऐसे स्टिक करते जाइए, यानी पूरे कार्डबोर्ड को हम लोग आर्ट पेपर से ऐसे कवर कर देंगे।
कलर करना है। मैंने यहाँ कॉपर एक्रिलिक मेटलिक कलर लिया है। आप अपने हिसाब का कोई भी पसंद का कलर ले सकते हैं। फिर आर्ट पेपर के ऊपर अच्छे से ऐसे कलर करते जाइए। देखिए कॉपर कलर कर देने के बाद ये कितना अच्छा लग रहा है। अब इसके साथ मैच करके ब्राउन टेप से हम साइड्स को भी कवर कर देंगे। अब ये डबल साइड टेप ले लीजिए और इससे कुछ हिस्सा काट के ऐसे इसके पीछे लगा दीजिए। बस हमारा शोपीस एकदम रेडी हो जाएगा। फर्स्ट वाला वॉल हैंगिंग तो बन गया, अब है नंबर टू। ये जो डब्बे के पीसेस है इनसे अलग अलग साइज के कुछ सर्कल्स ऐसे काट लीजिए। फिर जो कपड़ों के पीसेस है आपके पास उसे कार्डबोर्ड के ऊपर ऐसे स्टिक कर दीजिए फेविकॉल के मदद से। फिर साइड से कपड़ों में ऐसे कुछ कट्स लगा दीजिए और पीछे से ऐसे फेविकॉल के मदद से चिपका दीजिए। इसे थोड़ा और मजबूत बनाने के लिए ऐसे टेप लगा दीजिए। देखिए ऐसे मैंने कुछ सर्कल्स बना लिया है। आप भी ऐसे कुछ सर्कल्स अपने साइज के हिसाब से बना लीजिए और फिर कॉपर एक्रिलिक कलर से बॉर्डर में ऐसे पेंट करते जाइए। अपने हिसाब से ऐसे सर्कल्स को सजा के रखिए और पीछे से ऐसे कार्डबोर्ड लगा दीजिए। अब एक एक करके सर्कल्स को फेविकॉल के मदद से इसके ऊपर स्टिक करते जाइए। आप अपने पसंद के हिसाब से एक सुंदर सा कोलाज ऐसे बना लीजिए। ये देखिए हमारा सेकेंड वॉल हैंगिंग भी एकदम तैयार है। अब डबल साइडेड टेप ऐसे अटैच कर दीजिए और वॉल में स्टिक कर दीजिए।
देखिए वॉल हैंगिंग कितना अच्छा लग रहा है। क्या सोच रहे, अगली बार टेलर शॉप से ले आएंगे ना कुछ कपड़ों के पीसेस? जरूर ले आइएगा और कोशिश करिएगा तो ऐसे ही सुंदर वॉल हैंगिंग आप भी बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि आगे मैं किसके ऊपर ट्यूटोरियल बनाऊं, और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।